यूरोप के कई देशों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। ग्रीस में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से ग्रीस को भारी नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। यूरोपीय देश ग्रीस इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। ग्रीस में बाढ़ और आंधी तूफान के चलते भारी तबाही हुई है। ग्रीस के एग्रिया में आए विनाशकारी तूफान ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगहों पर सड़क बहने और पुल टूटने की भी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि भारी तूफान और बाढ़ में कई घर बह गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी तस्वीर सेंट्रल ग्रीस के इवेला की है, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया है। बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंसे हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी 6 फीट तक पहुँच गया। बाढ़ की वजह से ग्रीस में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर ग्रीस से लेकर तुर्की तक बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के बाद तुर्की के कई शहरों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया। तुर्की में कुदरत एक बार फिर कोहरा मचा रही है। तुर्की से कुदरत की तबाही की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। भारी बारिश के बाद इस्तांबुल की सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हैं। भारी भरकम गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। ये तस्वीर इस्तांबुल के बेसाकिशिर इलाके की है, जहाँ पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। कारें पानी में डूबी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें कैसे एक लड़का सैलाब के साथ बहा जा रहा है। एक शख्स उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़का बाइक के साथ बहता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों पर भी कुदरत का कहर जारी है। राजधानी केप टाउन में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कैपटाउन में कई दिनों की भारी बारिश के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि बाढ़ में अब तक 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के चलते कई लोग घर खाली कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। कैपटाउन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर में जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खाने पीने के सामानों की भारी दिक्कत हो गई है। लोगों के मुताबिक बाढ़ का पानी अचानक शहर में घुसा, संभलने तक का मौका नहीं मिला। ड्रोन से ली गई कैपटाउन की तस्वीर को देखिए, जहां तबाही आप को साफ दिख रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है।